हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल शिव सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मैं जितना क्वेश्चन देता हूं एक दिन में 10 क्वेश्चन ये वाला तो आज दे रहा हूं, शायद 10 में आपको 7-8 क्वेश्चन जरूर से आते रहेंगे, ठीक है। जो बकिया क्वेश्चन बचते हैं 2-3 क्वेश्चन और उसको आज के जिसे मतलब आज मैं दे रहा हूँ इसको आज ही तैयार कर लेना, डन। तो जितना मैं बताऊँ उसको डेली अगर आप तैयार करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा मैं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा सारा आपको आता रहेगा। क्लियर बात हुआ ना? ये सिर्फ देखने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, इसको देखने के लिए नहीं, लिखने के लिए सिर्फ नहीं, उसको याद करो, उसी दिन उसको करो। ये आपका लक्ष्य रहना चाहिए कि जो अतुल सी सेंटर पे पढ़ाया जाता है डेली उसको तुरंत नोट डाउन करूं, उसको याद करूं। मैं आपको वीक में लगभग 1-2 दिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं और बकिया जो भी दिन बचता है सब दिन मैं आगे का पढ़ाता हूं, है कि नहीं है। जिस दिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ उस दिन का मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा और आगे का नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप सब इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, जो आपको नहीं आता उसको पढ़ें और जो आपको आता है उसको रिवाइज कर लें, ये बेटर रहेगा, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से टाइम टेबल लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये वाला वीडियो तब तक देख ही लो। चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में, या ऐसे कहिए आप, पहला क्वेश्चन लिखिए, वैद्युत ध्रुव, क्या चीज, वैद्युत ध्रुव में निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत ध्रुव में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये दोनों आप क्वेश्चन कर लेना। वैद्युत ध्रुव में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता पहला क्वेश्चन रहा, दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में संबंध। एक क्वेश्चन ये रहेगा, कूलाम का नियम बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा उसके बारे में। अगर बता दिया हूँ तो ऐसे आप जाके सर्च कीजिएगा कूलाम का नियम बाय अतुल सी सेंटर, जितना मैं बता रहा हूँ सारा बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप सब कहेंगे फिर से आपका डिमांड आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, पक्का, ठीक है, श्योर है। अगला है वैद्युत ध्रुव, क्या है, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति की तीव्रता, अच्छी स्थिति की तीव्रता, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे पहले लेसन के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इसलिए मैं पहले इसको कर दिया हूँ। अब लिखिएगा पांचवा क्वेश्चन आप सब करिए, व्यतिकरण को परिभाषित करो, ये तो पहले लेसन के थे चारों, व्यतिकरण को परिभाषित करो, क्या होता है, परिभाषित करो भाई, व्यतिकरण को परिभाषित करो, पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन लिखिए, गॉस का नियम, और हाँ गॉस का नियम के साथ साथ इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि कैसे होता है। गॉस के नियम के साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, और गॉस का नियम मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबको बताया हूँ, कई बार बताया हूँ वो भी, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए अगला लिखते हैं, सातवां है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बता रखा हूँ, अगर कहेंगे तो फिर से बताऊँगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए पूरा एकदम मतलब अच्छी तरीके से, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सातवां क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, है। और आठवां क्वेश्चन लिखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, लिखिए प्रकाश के लिए हाइगेंस, प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखो,
ठीक है, इस तरह फिर आएगा, इसके बाद भी थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बता रहा हूँ, लिखो हाइगेंस के, इसके बाद इसी में रहेगा, क्या रहेगा, हाइगेंस के प्रकाश, हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम भी लिखने हैं आपको, ठीक है। क्या क्या लिखना है, प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का नियम, यानी कि तरंग सिद्धांत क्या होता है, फिर इसके बाद लिखना हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन लिखिए, आठवां क्वेश्चन तक क्लियर ना, किरचॉफ का नियम उपयोग लिखो, ऐसे नहीं, दूसरा और इसमें क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीट स्टोन सेतु, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हीट स्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मिसयूज मत करना, इसको ज़रूर से पढ़ना, इसको ऐसे छोड़ना मत, अगर छोड़ दोगे कि कल पढ़ूंगा तब तो ये चला गया भाई, तब तो आपको न याद हो पाएगा और ना तो समझ पाएंगे, और फिर मत बताना भैया कि आप बताए नहीं थे। लिखिए अगला, अनुगमन वेग किसे कहते हैं ये भी याद कर लेना, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, 10 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था और जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आज के दिन पूरा तैयार कर लेंगे। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, सही से बताना, एकदम होनेस्टी, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर से, और हाँ पढ़ लेना प्लीज।